Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 7th with chapter 3 rational numbers, and we are gonna start a new exercise 3.3. So without wasting any time, let's get started. तो देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स. हमें क्या करना है कि ये जो रैशनल नंबर्स जो भी दे रखे हैं उनको हमें ऐड करना है. ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट लिखी है, दो मैं आपको कराऊंगी, बाकी के दो आप खुद से कर लेना. देखिए फर्स्ट पार्ट में ये जो रैशनल नंबर्स गिवन है इन दोनों को लिख के ऐड करना है, तो बीच में कैसा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन. ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ये जैसा भी इनके पे साइन है वो एज इट इज रहेगा हमारा. अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से कुछ चेंज होगा ये स्टेटमेंट हमारी 3/11. ये तो एज इट इज, यहाँ देखिए ये तो है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/11. समझ आ गया यहाँ तक सबको. अब नीचे की साइड देखिए, दोनों में क्या दिख रहा है, 11. अगर दोनों में सेम टर्म है तो हम नीचे वही नंबर लिख देते हैं एज इट इज. ठीक है, अगर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम निकालते. अब तो सेम है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 11, और ऊपर वाले जो भी नंबर्स हैं वो एज इट इज लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ये माइनस का 5, तो क्या बचेगा, 5 बड़ा है ना, और 5 के आगे माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस का आएगा, और यहाँ से बचेगा क्या, 2, और नीचे वाला 11 एज इट इज. ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब देखो थर्ड पार्ट में ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो लिख देती हूँ मैं इसको 5/7. अब नीचे माइनस का साइन लगा रखा है तो नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, एक ही बात होती है. ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और बीच में हमें क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि हमें क्या करना था, ऐड करना था. ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के नीचे सेम नंबर है, तो वो सेम नंबर एज इट इज आएगा, फिर ऊपर से जो भी टर्म है वो एज इट इज आ जाएंगे. अब देखो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2, तो क्या बचेगा, यहां से माइनस का 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, 7. ठीक है, समझ आ गया यहां तक सबको. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के सेकेंड और फोर्थ पार्ट आप खुद से कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख कर लेते हैं हम, फाइंड द सम. हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है. तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट में हमें नंबर्स दे रखे थे और हमें ऐड खुद से करना था, तो साइन भी खुद से लगाना था. अब की बार क्या कर दिया इसने, डायरेक्ट हमें देखो साइन भी लगा के दे दिया, जैसे कि 27/-4 -15/8. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो अब की बार हमें क्या कर दिया इसने, प्लस वाला साइन भी खुद से लगा के दे रखा है. अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे बच्चों नीचे की साइड क्या दिख रहा है, 4, इसमें क्या दिख रहा है, 8, तो दोनों नंबर्स अलग अलग हैं. मैंने क्या कहा था, जब सेम होंगे नंबर तो डायरेक्ट वही नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो क्या लेना पड़ेगा, फिर हमें एलसीएम. तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, किनका, जो नीचे वाले नंबर्स हैं. तो देखिए सबसे पहले तो ये माइनस वाला साइन ऊपर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा -27/4. अब ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा बीच में, माइनस का साइन, 15/8. अब एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 और 8 का. ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं ना उनको यहाँ पे लिख के ऐसे लिखते हैं हम. ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड करने की ट्राई करते हैं, अगर हो सकता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो देखो ये 1 से करेंगे, 1 ये सॉरी ये तो 2 से छोटा है 1, तो ये एज इट इज रहेगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1. तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या बनेगा. अब अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ 4 और 8 का, तो कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर आते हैं ना इधर, यहाँ पे 1 1 पे जाके छोड़ना है, तो ये जो नंबर आएंगे इस साइड के, इन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 8. ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी एलसीएम आता है वो डिवाइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8. अब क्या करना है हमें, नीचे वाले नंबर से तो करना होता है हमें डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. समझ आ रहा है, नीचे वाले नंबर से तो क्या करना है, डिवाइड, और जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई. अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, 8 है जो ये 8, इसको नीचे वाला नंबर क्या है, 4 4, से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 2. अब ये जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ऊपर वाले नंबर से. अब ऊपर क्या नंबर है, -27, मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर आएगा 54, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -54, माइनस एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस है इसलिए. अब देखो 8 से इस 8 को क्या करेंगे, डिवाइड. अब 8 की टेबल में ये 1 पे ही तो आएगा, ठीक है, तो 8 की टेबल में ये आ गया 1 पे, तो आंसर क्या आया हमारा, 1. अब जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 1 को 15 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 15. अब देखिए ये दोनों ही कैसे नंबर्स हैं हमारे, माइनस के नंबर्स हैं,
तो माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या बनेगा ये 4 और 5 9 और 5 और 1 6 और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 8। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, अब की बार हमें ये दे रखा है सेकंड पार्ट के अंदर, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या लिखती हूँ मैं, माइनस वन बाई 18 तो एज इट इज, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या साइन बन जाएगा बीच में माइनस वाला। ठीक है, इसको एज इट इज लिख के भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऊपर वाली टर्म यहाँ पे क्या बनेगी, माइनस 3 हो जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर साइन चेंज भी करके कर सकते हैं। अब कर दिया हमने साइन चेंज, अब देखिए क्या करेंगे, नीचे है 18 यहाँ पे है 8, तो अलग अलग नंबर है, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या लेते हैं दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 18 और 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अब 2 से तो नहीं होंगे तो 3 से कर लेते हैं इसको, 3 जा 9, यहां पे ये 3 से होगा नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक है, अब फिर से 3 से अगर करेंगे तो 3 से ये गया 1 पे, ये 4 एज इट इज रहेगा, फिर ये नंबर 2 से हो जाएगा 4, तो 1 तो एज इट इज, और ये करेंगे तो 2 पे गया, फिर इस नंबर को हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ये 1 1 जब आ जाता है तो खत्म हो जाता है। अब जो इधर जितने भी नंबर आए सबको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए आया क्या क्या है हमारे पास, 2 2 और 2 तीन बार, तो क्या आ गया हमारा 2, और 3 कितनी बार आ गया 2 बार। ठीक है, अब इन सबको आपस में क्या कर ले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 72। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड क्या लिखेंगे 72। अब मैंने क्या बताया था, नीचे वाली टर्म जो डिवाइड में है उससे इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो 72 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4। अब जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो इसके सामने माइनस का साइन है और ये 1 है, तो 1 से जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, और क्योंकि माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस 4, फिर माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो सबको पता है वैसे तो 8 की टेबल में कहाँ पे आता है ये 9 पे, 72 आंसर क्या आया 9, 9 से ऊपर वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, माइनस तो पहले से लगा ही दिया। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 31 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 72। ठीक है, समझ आ गया सबको, ये था हमारा क्या सेकंड पार्ट। अब मैं करा रही हूँ आपको थर्ड पार्ट, और करा देती हूँ मैं फिर फोर्थ आप खुद से करना, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा चेंज करना रिमाइंड करा देती हूँ अगर याद नहीं है तो। तो देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, इसने हमें दिया माइनस 3:1/6 प्लस 2:3/8। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, हम इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चेंज कैसे होगा, क्या करते हैं हम जो आगे वाला नंबर होता है उससे नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर क्या, अच्छा यहाँ पे कैसा साइन चल रहा है माइनस का, तो ये साइन माइनस का जो है वो कहाँ रहेगा, पूरे के बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3 से तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस में क्या कर देंगे जो ऊपर वाला नंबर है, और डिवाइड में जो नंबर चल रहा है वो एज इट इज, फिर प्लस इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा 2 को 8 से तो मल्टीप्लाई, फिर उसमें 3 को प्लस, और नीचे वाला 8 एज इट इज। ठीक है, अब यहां से देखो माइनस तो बाहर रहेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया 18, प्लस में 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6, फिर प्लस 8 2 का क्या होता है 16, प्लस में 3 और डिवाइड में क्या चल रहा है 8, तो यहां से आ गया देखो इधर से 18 प्लस 1 क्या हो गया 19, डिवाइड में क्या चल रहा है 6, तो 19/6 और साइन कैसा है इसके आगे माइनस, 16 प्लस 3 क्या हो गया 19 और डिवाइड में क्या चल रहा है 8। ठीक है, अब देखो एक तो आ गया 6, एक आया 8, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एलसीएम किसका 6 और 8 का, तो देखिए 6 और 8 को ऐसे लिख के 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 3 तो होगा नहीं, इसको कर देंगे 2 पे, फिर 2 से करेंगे ये 3 तो एज इट इज ये आ गया 1, अब इसको 3 से करेंगे ये 1 ये भी 1। ठीक है, अब एलसीएम निकालते टाइम आगे वाले नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, तो मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया एलसीएम का 24। अब वैल्यू पुट कर दें एलसीएम की, क्या करते हैं हम नीचे की साइड लिखते हैं जो एलसीएम आता है, लिख दिया, अब नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल में 24 कहां पे आता है 4 पे, तो आंसर आया 4, 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर कितना आएगा 76। ठीक है, और माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया, अब 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 पे जाएगा, 3 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 जा क्या होता है हमारा
57. अब देखो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, बड़ा नंबर ये है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर हमारा किसका आएगा, माइनस का, नीचे वाली टर्म एज इट इज. अब इस वाले नंबर में से इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर साइन अलग अलग होता है तो सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है. तो 16 में से 7 गया, क्या बचा, 9. यहाँ पे बचे 6, 6 में से 5 गया, 1. तो हमारा आंसर आप क्या आ गया है जी क्वेश्चन का, -19/24, ठीक है. अब थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया मिक्स डिफ्रैक्शन वाला, फोर्थ पार्ट एक मिक्स डिफ्रैक्शन वाला बचता है, वो आप खुद से करेंगे. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है. इसमें लिखा हुआ है ऊपर सब्ट्रैक्ट, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करना है हमें दिस फ्रॉम दिस. तो सबको पता है बच्चों कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको, पहले वाले नंबर को. तो क्या बन जाएगी ये स्टेटमेंट हमारी, पहले कौन लिखा जाएगा, 4/13. फिर क्या साइन आएगा सब्ट्रैक्ट में, माइनस का. फिर क्या लिखेंगे, -6/13. अब देखो एक माइनस ये है, एक ये है. जब माइनस दो इकट्ठे हो जाते हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस. तो ये क्या आ गया, 6/13. अब देखो एलसीएम सेम है इनका, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, और जब ये सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है. अगर सेम नहीं होता तो क्या ले लेते, फिर हम एलसीएम निकालते. तो यहाँ पे 13 आ गया. अब ऊपर वाले नंबर्स क्या आ जाते हैं, एज इट इज. 4+6 क्या हो गया, 10 बाय क्या आंसर आ गया हमारा, 13, ठीक है. सिंपल सा था. नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट करा देती हूँ इसका मैं. सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, -1/2 फ्रॉम कहाँ से, -2/3. तो -2/3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -1/2 को. तो कैसे लिखेंगे, -2/3, फिर माइनस, फिर -1/2, ठीक है. अब क्या हो जाएगा देखो, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस. तो क्या लिख लें इसको, -2/3 प्लस में क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है. अब देखो इसके डिनोमिनेटर में है 3, इसमें है 2, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या निकलेगा, एलसीएम आएगा. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 2 का और 3 का, ठीक है. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 2, 3. 2 से डिवाइड करेंगे ये 1, ये डिवाइड नहीं होगा एज इट इज. फिर 3 से करेंगे 1, 1. आ गया 1, 1. जैसे ही ये आता है तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. तो 2 और 3 आ गया, तो मल्टीप्लाई में क्या आएंगे, 2 और 3, और 2, 3 का क्या होता है, 6. तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 6. अब यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा हमारा, 6. फिर क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म से तो डिवाइड, सेम वैसे ही होना है, कोई फर्क नहीं होता सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, ठीक है. सेम प्रॉपर मेथड से चलेगा. तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3, 2, 6. 3 की टेबल में 2 पे आएगा, 2 की ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और क्योंकि इसके सामने माइनस है तो क्या आ जाएगा, -4. फिर प्लस का साइन है तो प्लस, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2, 3, 6, 3, और 3 से 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 3, -4 प्लस में 3, तो क्या बचा, -1/6, ठीक है. समझ आ गया सबको, ये था हमारा क्या, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है. अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, फाइंड, ठीक है. फाइंड करना है क्या, ये टर्म लिखी हुई है हमारे पास, तो ये हमें सॉल्व करके दिखाना है ये क्या आंसर आएगा इसका. तो देखिए क्या बनेगा ये, 5/63. एक बार तो एज इट इज लिखेंगे, फिर देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है. और क्या बचेगा, 6/21. अब इसमें तो 63 है, इसमें 21, अलग अलग नंबर है. जब अलग अलग होते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम. तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों नंबर्स 21, 63. फिर ये डिवाइड किससे होंगे, 7 से होंगे दोनों नंबर, तो 7, 3, 21, और ये किस पे जाएगा हमारा, 7, 9, 63. तो यहाँ पे आ गया 9. फिर 3 से करेंगे तो 3 से गया 1, ये 3 से करेंगे तो 3, ठीक है. फिर 3 से करेंगे 1, ये क्या आ जाएगा, 1, 1, 1 आते ही इन नंबर्स की क्या कर लें, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. अब देखिए 7, 3 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 × 3, 7, 3 का क्या होता है, 21. 21 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 63. तो इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे लिखेंगे, फिर 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस. 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, 21, 3 = 63, और 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 23, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, 63, ठीक है. समझ आ गया सबको, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसका फर्स्ट पार्ट था ये. तो अब हम करने जा रहे हैं देखो थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. थर्ड पार्ट में क्या है, बस थोड़ा सा ना मिक्स डिफ्रैक्शन दे रखे, तो मैं इसको करा ही देती हूँ एक बार. देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 3:1/8 -1:5/6, ठीक है. ये नंबर गिवन है, तो सबसे पहले तो हम देखिए साइन चेंज कर लेते हैं अगर हो सकता है तो. यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 3:1/8, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. यहाँ से क्या आया, 1:5/6. अब मिक्स डिफ्रैक्शन को पहले चेंज कर लो, कैसे चेंज करना सिखाया था, आगे वाले नंबर से नीचे वाले को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर
ऊपर वाला नंबर क्या होता है प्लस, और डिवाइड में जो नंबर था वो एज इट इज, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस, यहाँ पे वन को सिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर एज इट इज, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या बनेगा, एट थ्री जा क्या होता है 24, प्लस में 1/8, प्लस सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स प्लस 5, डिवाइड में क्या है 6। अब यहाँ देखो 21 प्लस 4 क्या हो गया 25/8, प्लस 6 प्लस 5 क्या हो गया 11/6। अब ये नंबर है 8 और ये है 6, दोनों अलग अलग हैं डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम निकलेगा किसका, 6 और 8 का। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, दोनों नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 3 तो एज इट इज रहेगा डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 तो एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब ये फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से, तो ये आ गया 1, ये 1, 1 1 आते ही खत्म। यहाँ पे इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो 2 कितनी बार आ गया हमारा 3 टाइम्स और 3 है सिंगल, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होता है 24, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 6 और 8 का 24, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितना 24। अब देखो 8 से जब हम इस 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में ये कहाँ पे जाएगा 3 पे, 8 3 जा 24 और 3 से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 75, प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 44। अब इन दोनों को ऊपर वालों को प्लस कर लें तो 5 प्लस 4, पहले यूनिट प्लस को यूनिट प्लस में ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9, 7 प्लस 4 करेंगे तो 11 और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा 24, ठीक है। ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगर आप चाहो इसको तो या तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं छोड़ना क्योंकि हमारा क्वेश्चन में मिक्स डिफ्रैक्शन था तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे मिक्स डिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा, डिवाइड कर दो सिंपल, 119 को किससे डिवाइड करना है 24 से, ठीक है। तो 24 की टेबल में 4 पे करके देखना आप, यहां से क्या बनेगा आपका 96 बनेगा, ठीक है। फिर 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, तो ये कम रह गया, कम आते यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मिक्स डिफ्रैक्शन में देखो नंबर क्या चल रहा था हमारा 119 बाय में 24, ठीक है। इसको मिक्स डिफ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो तो आगे लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर और जो डिवाइजर है वो इसके नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो इस नंबर को हमने चेंज कर दिया मिक्स डिफ्रैक्शन के अंदर, समझ आ गया बच्चों सबको। तो मिक्स डिफ्रैक्शन से वापस कैसे जाना है वो भी आपको समझा दिया, और यहां से मिक्स डिफ्रैक्शन में कैसे जाना है वो भी आपको बता दिया। तो अभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, और रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमने इन क्वेश्चंस में कर लिया। तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।